नमस्कार, हेल्थ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। कहते हैं इंसान अपने पैरों पर तब खड़ा हो सकता है जब उसके शरीर की हड्डियां मजबूत हों, लेकिन अगर हड्डियां कमजोर हों तो इंसान घुटने टेक देता है, चलने फिरने और सामान्य जिंदगी गुजारने तक के लिए मजबूर हो जाता है। उसे दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ने लगती है। मांस और हड्डियों से बने शरीर में अगर हड्डियां कमजोर होने लगे तो मजबूत से मजबूत इंसान टूट जाता है। हड्डियों को कमजोर करने वाली कई बीमारियां होती हैं, उनमें से एक बीमारी है अर्थराइटिस की, जो देश के युवाओं में तेजी से फैल रहा है। महिलाएं भी इस बीमारी की जकड़ में हैं। इस बीमारी का नाम है अर्थराइटिस। क्या है इसकी पहचान, क्यों तेजी से बढ़ रहा है, क्या है इसका इलाज, आज देश के जाने माने डॉक्टरों का पैनल न्यूज 24 पर है। आज हम जोड़ों को कमजोर करने वाली इस बीमारी के जड़ तक जाएंगे और उसका इलाज क्या है जानेंगे। जिन डॉक्टरों के पास आप पहुंच नहीं पाते हैं, देश के जाने माने उन डॉक्टरों को हम यानी न्यूज 24 अपने पैनल पर लेकर आता है। जिन डॉक्टरों का पैनल इस वक्त मौजूद है, आइए उनका परिचय करा देते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर उमा कुमार, HOD डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी एम्स, देश की जानी मानी रूमेटोलॉजिस्ट हैं। एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी की HOD हैं। रूमेटोलॉजिकल बीमारियों से जो भी रिसर्च होते हैं उनकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाती हैं, साथ ही साथ इलाज भी करती हैं। डॉक्टर एल तोमर, सीनियर डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक मैक्स हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के क्षेत्र में जाने माने नाम हैं। कई सालों से जो है इनका अनुभव है वो कई सालों का है। मैक्स हॉस्पिटल में सीनियर ऑर्थोपेडिक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर महेश व्यास, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में डीन हैं, कई सालों का अनुभव है, हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के इलाज का जाना माना नाम है। और डॉक्टर समीर भाटी, डायरेक्टर स्टार इमेजिंग, ये वो व्यक्ति हैं जो हर बीमारी में सही टेस्ट क्या होता है और किन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं और गैर जरूरी टेस्ट ना कराने की सलाह देते हैं, क्योंकि आज के समय में लोग भटक जाते हैं कई तरह के टेस्ट कराने को लेकर के। और ऐसे में जब हम इस बीमारी के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि अर्थराइटिस युवाओं में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और तब जब हमारा देश दुनिया में युवाओं का देश माना जाता है, तो ये जरूरी हो जाता है इस बीमारी को समझना और इसका इलाज क्या है उसको भी समझना। डॉक्टर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सबका बहुत स्वागत करती हूं और सबसे पहले डॉक्टर उमा कुमार का रुख करना चाहूंगी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस टॉपिक को लेने का उद्देश्य यही है कि जो हमारा देश इस बीमारी की जकड़ में है और खासकर जो युवा हैं, अगर युवा इसकी जकड़ में आ जाएंगे तो जाहिर तौर पर देश की प्रगति में सबसे बड़ा रोड़ा वही अटकाएगा। तो ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर क्या वजह है कि युवा जो हैं ये इसकी चपेट में आ रहे हैं और इसको कैसे रोका जाए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये बीमारी हो क्यों रही है, तब ये आसान हो जाएगा जानना कि युवा क्यों इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो जब हम आर्थराइटिस की बात करते हैं तो उसको दो प्रकार की आर्थराइटिसों में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, जो कि लाइफस्टाइल डिजीज़ है। दूसरी होती है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिसमें बहुत प्रकार के आर्थराइटिस आते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीजेस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का नाम आपने सुना होगा, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का नाम आपने सुना होगा, या ल्यूपस जैसी ऑटो इम्यून बीमारियां जो हैं। और ये सच है कि जो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं वो महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होती हैं, लेकिन आर्थराइटिस का अगर प्रिवेलेंस देखें, जोड़ों में दर्दों की समस्या देखें, तो फीमेल हो या मेल्स हो, दोनों में बराबर प्रकार से बढ़ रही हैं आज के टाइम में। आपने देखा होगा युवा में जो पीढ़ी है, आज की पीढ़ी है, उसमें जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं वो एज सच बहुत बढ़ रहे हैं, और उसका कारण है उनका खान पान, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, ओबेसिटी का बढ़ना, स्ट्रेस का बढ़ना, उनके स्लीप आवर्स कम हो जाना, बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करना, लैपटॉप का यूज़ करने तक ठीक है, लेकिन गलत पोस्चर में इन सब जो अप्लाइंसेस हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करना। और आप देख रही हैं कि जो वातावरण में चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसकी वजह से भी जो जोड़ों की समस्याएं हैं वो बढ़ रही हैं। एक विटामिन डी डेफिशिएंसी भी जोड़ों में दर्द को बढ़ावा देती है। और इन्फेक्शंस जो हो रहे हैं, रिकरेंट इन्फेक्शन, अभी आपने देखा हम एक पैंडेमिक से आउट हुए हैं, उसमें उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये जोड़ों की समस्याएं हो रही हैं। तो कुल मिलाकर बहुत सारे फैक्टर, और स्मोकिंग,
स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है ऑटो इम्यून डिजीजेस के बढ़ने का, और इसके अलावा जो एयर पोल्यूशन है, एक हमारी स्टडी में भी ये सामने आया था कि उनमें सब क्लिनिकल ऑटो इम्यूनिटी ज्यादा देखी गई, तो एयर पोल्यूशन को भी एक कारण माना जा रहा है आर्थराइटिस के बढ़ने का। और चिकनगुनिया आर्थराइटिस से तो आप सब वाकिफ हैं कि कुछ जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो भी जोड़ों की समस्याओं को बढ़ाते हैं। तो देखा जाए एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं आर्थराइटिस या आर्थराइटिस जैसी समस्याओं को बढ़ाने में। बिल्कुल, और कई बातें आपने यहाँ पर जिक्र किया कि देखिए क्लाइमेट चेंज है, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है, लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा रोल है, और यही जो वजह है वो कुल मिलाकर युवाओं को कहीं ना कहीं अपने चपेट में ले रही हैं। आपसे मैं और भी समझना चाहूँगी, चूंकि आपने शोध की भी बात की है, आप लोगों ने कई रिसर्च भी किए हैं इसको लेकर के कि किस तरीके से बीते समय में ये जो ग्राफ है आर्थराइटिस का, जिसमें आपने ये बताया कि कई तरह के आर्थराइटिस होते हैं, वो तेजी से बढ़ा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ समझना चाहूंगी कि युवाओं में खास करके कौन से आर्थराइटिस ज्यादा देखे जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हम देखते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस भी हम देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा क्या है जो उनको परेशान कर रहा है? और दूसरी बात जो आपने ये कही कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये बढ़ता है, लेकिन इसको किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से सजग होने की जरूरत है युवाओं को? देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस की जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, यानी कि जॉइंट में जब वेयर एंड टेयर ज्यादा होती है उसकी वजह से जो बदलाव आता है हड्डियों के एंड्स पे, यानी कि जॉइंट्स में, और लुब्रिकेंट जो कम हो जाता है उसकी वजह से जो आर्थराइटिस होती है, दर्द होता है, उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कह देते हैं। पहले ये बीमारी बुजुर्गों की मानी जाती थी, लेकिन आजकल युवाओं में भी देखने को मिल रही है। इवन 30 इयर्स के एज में भी हमने देखा है लोगों में ये इस तरह की डिजेनरेटिव समस्या एक्सेलरेट हो गई है, यानी कि बढ़ गई है। और उसका जो मेन कारण है वो लाइफस्टाइल है, और लाइफस्टाइल जिन फैक्टर्स की मैंने बात करी, जैसे कहा कि ओबेसिटी, वेट बढ़ रहा है, तो वेट का जो पूरा असर है वो अपने जोड़ों पे ही आता है, और जोड़ों में घिसाव ज्यादा होगा अगर ओबेसिटी होगी। तो दूसरी चीज है, आप देखें कि मोबाइल का इस्तेमाल, लोगों कह देते हैं कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई, तो जब मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा हमारा जो ब्रेन का जो वेट है, इसका पूरा वेट मिला के 3.5 to 4 kg वेट हमारे सर्वाइकल स्पाइन पे पड़ता है, यानी गर्दन की हड्डी पे। और जब आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी गर्दन को झुकाते हैं, तो जितना ज्यादा गर्दन नीचे झुकती जाती है उतनी गुना वजन हमारी रीढ़ की हड्डी पे ज्यादा पड़ता जाता है। तो सर्वाइकल स्पाइन में जब वेट ज्यादा पड़ेगा तो डिजेनरेटिव चेंजेस, यानी कि उसमें वेयर एंड टेयर ज्यादा होगी, और उसकी वजह से जो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है उसकी समस्या अर्ली एज में शुरू हो जाएगी। कभी कभी लोग मोबाइल को ऐसे लगा लेते हैं और काम कर रहे होते हैं तो दो चीजें एक साथ चल रही हैं, या लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी गलत पोजीशन में पढ़ रहे हैं, बच्चे तो लेट के पढ़ रहा है, किसी ने अपना लैपटॉप गोद में रखा है, बीन बैग पे बैठे हुए हैं, कमर बिल्कुल स्लाउच पोजिशन में है, तो उसकी इन सब, ये एक बहुत बड़ी कारण है जो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस युवाओं में मिलने का। इसके अलावा जैसे आप एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बात कर रहे थे, वो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के ग्रुप में आ जाता है जिसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है, उसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं कह सकते, लेकिन जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं वो बढ़ावा देते हैं उस बीमारी को होने में। जैसे मैंने स्मोकिंग की बात की, तो टोबैको एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है इन सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के जो प्रिवेलेंस है जो बढ़ रही है समाज में। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने खान पान पे ध्यान दें, हम अपना जो उठने बैठने का तरीका है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का तरीका है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका जिक्र आप कर रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और यही हम चाहते हैं कि आम लोगों तक ये तमाम चीजें पहुंचे, वो समझे कि आप अपने साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको जानिए, समझिए और सचेत होइए। डॉक्टर तोमर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, डॉक्टर उमा कुमार ने बहुत सारे पॉइंट्स का जिक्र किया है, ऐसे में एक पॉइंट उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जो एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है, और खास करके कोविड के बाद से देखा गया कि युवाओं में केसेस में काफी इजाफा हुआ है, किस तरीके से आप देखते हैं कि कोविड के बाद से समस्याएं बढ़ी हैं, किस तरीके की समस्याएं आई हैं और इसका निदान क्या है? डॉक्टर उमा ने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको एलाबोरेट किया है सारे पॉइंट्स को, लेकिन जितना मैं समझता हूँ कोविड के बाद जो मेजर चेंजेस आए हैं, एक चेंजेस तो ये आए हैं कि जो स्ट्रेस लेवल लोगों का बढ़ा है, जो बहुत सारे लोगों के बिजनेस
और बहुत सारी चीजें इफेक्ट हुई है, नंबर वन। नंबर टू, जो वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम होम में लोगों ने पहले तो इससे बहुत इंजॉय किया कि वर्क जाना ही नहीं पड़ता है, लेकिन अब उनके वर्किंग आवर्स इतने बढ़ गए हैं कि उन्हें रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं है, तो उसकी वजह से भी ये होता है, दे हैव टू वर्क ऑन दी डेस्कटॉप, लैपटॉप इन नेचुरली डिफरेंट पोजीशंस, जैसे कि डॉक्टर उमा ने बताया, जिसकी वजह से ये सारी चीज बढ़ती है। और उनके पास दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं बचा है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और बहुत लंबे टाइम तक कर रहे हैं और आपकी मसल्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो नेचुरली मसल्स का फटीग होता है, और मसल्स का जो फटीग है ना, वही डिजनरेशन का सबसे डोमिनेंट कारण। लाइफ स्टाइल मीन्स जो आपकी मसल्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, आप उतना एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं और आप उसका उसपे स्ट्रेन ज्यादा डाल रहे हैं, तो मसल्स फटीग होने की वजह से डिजनरेशन शुरू हो जाता है। तो ये फैक्टर है। यहाँ पर मैं एक चीज और समझना चाहूंगी, ये बिल्कुल सही है कि लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बहुत एक्सरसाइज भी करते हैं, जिन ओवर एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक समस्या पैदा कर रही है, कहीं ना कहीं उनकी वजह से भी जो है जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है या शरीर के किसी भी हड्डी में परेशानी शुरू हो जाती है। तो ये भी जानना लोगों के लिए जरूरी है कि ओवर एक्सरसाइज भी समस्या पैदा कर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, ओवर एक्सरसाइज भी, अगर एक्सरसाइज एक्सरसाइज न होके अगर वो स्ट्रेन हो जाता है, तो स्ट्रेन भी नेचुरली वो हेल्प करने की जगह डैमेज करने लगता है, जॉइंट्स को भी, कार्टिलेज को भी, और आर्थराइटिस का कारण बन सकता है। ये आपने बिल्कुल सहा, ओवर यूज करना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अगर ओवर एक्सरसाइज करेंगे तो भी डैमेज होगा, उससे इंजरीज होती है जॉइंट्स में और वो आर्थराइटिस का कारण बनती है। कोविड के बाद जो दूसरी प्रॉब्लम आई है, बहुत सारे लोग कोविड से सफर किए हैं, जैसा कि बताया, वायरल इन्फेक्शंस हुए, वीकनेस आई, बहुत सारी मेडिसिंस का भी उसमें रोल है, जिसकी वजह से वो वीकनेस भी आई है और आर्थराइटिस का कारण भी बनी है। एक चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसपे मैं आपको बहुत स्ट्रेस करना चाहूंगा, डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डाइट का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग, देखा गया है, जैसे कि हमारा जो मेन फूड है वो गेहूं है या चावल है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों में एलर्जी देखने के लिए मिल रही है, जैसे ग्लूटेन एलर्जी बहुत ही कम होती थी, बट आज की डेट में शायद वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड है या कुछ डाइट की वजह से ऐसा हो रहा है कि वो एलर्जिक फिनोमेना क्रिएट करते हैं, और वो भी आर्थराइटिस का बहुत बड़ा कारण है। जिसमें मुझे लगता है डॉक्टर साहब, डायग्नोसिस एक बहुत बड़ा, एक कहें तो हथियार है, जिसकी वजह से ही हम अर्ली डिटेक्ट भी कर पाते हैं कि क्या समस्या है क्या नहीं है। इसीलिए डॉक्टर समीर भाटी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, चूंकि बात आर्थराइटिस की हो रही है, बात ज्वाइंट पेन्स की हो रही है, और इतना विस्तार से डॉक्टर उमा कुमार और डॉक्टर तोमर ने समझाया कि आखिर सबसे बड़ी वजह क्या है जो हम युवाओं में इस तरीके से बढ़ता हुआ केस देख रहे हैं। लेकिन अब यहां यह समझना चाहूंगी, और जो युवा वर्ग अभी इस वक्त टेलीविजन देख रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे कि अगर दर्द है किसी तरीके का, ज्वाइंट पेन है, तो वो टेस्ट क्या कराने पहुंचे और किस तरीके का टेस्ट। मान लीजिए बहुत सारे कई बार डॉक्टर्स के पास नहीं जा पाते या उनको डायरेक्टली कोई जो है कोई एक तरीके से कहे मार्गदर्शन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता, तो उनको क्या करना चाहिए। ये जरूर है कि पहले आप डॉक्टरी सलाह लें, लेकिन अगर मान लीजिए सलाह नहीं मिली तो टेस्ट, सेफ टेस्ट क्या होता है वो करा लेना चाहिए। इसमें देखिए दो चीजें हैं, एक तो जैसा हम देखते हैं अक्सर लोग ज्वाइंट पेन अक्सर लंबे समय तक रहता है ना, तो लंबे समय तक एक तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन करते रहते हैं, तो एक तो यही हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि इस तरह से ज्वाइंट पेन आपको लंबे समय तक है तो ओवर द काउंटर एटलीस्ट मेडिकेशन ना करें, क्योंकि पेन किलर्स के और भी कई तरह के साइड इफेक्ट रहते हैं। दूसरे, कई बार हमने देखा गया है कि ठीक है कुछ रूटीन के टेस्ट आप कराते हैं प्रिवेंटिव, वो टेस्ट तो चल जाते हैं, पर काफी लोग अपने आप से कुछ भी ऑटो इम्यून टेस्ट, ज्वाइंट प्रोफाइल आजकल इस तरह से चले हुए हैं, वो सब करा लेते हैं, वो करा के फिर उनको वैसे कुछ परेशानी हो जाती है कि मुझे ये हो गया है, मुझे रोमेटाइड हो गया है। तो ये एक बार दर्शकों को हम जरूर बताना चाहेंगे कि कोई भी इस तरह के स्पेशल टेस्ट बिना डॉक्टर के सलाह से ना कराया जाए, जिससे आपको और कोई उस रिपोर्ट को समझने में आपको कोई और परेशानी हो और आप साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाए। तीसरा, अभी जैसा हमने देखा है युवाओं का, जैसा आप बता रहे हैं कि देश की बैकबोन है, तो सबसे ज्यादा हम लोगों ने अभी जो देखा है नंबर ऑफ केसेस हमारे पास बैक, लोअर बैक के केसेस काफी ज्यादा आते हैं, जिसमें मैडम ने, डॉक्टर उमा ने भी बताया, डॉक्टर साहब ने भी बताया, वो एक लाइफस्टाइल डिजीज है, हमारे सिटिंग पोस्चर्स इस तरह के हो गए हैं, लंबे समय तक बैठे रहना, बीच में ब्रेक्स वगैरह ना लेना, और उसमें सबसे बड़ा देखिए हम स्मोकिंग एक बड़ा फैक्टर मान रहे थे हमारी डिजनरेटिव आर्थराइटिस का, तो आप लंबे समय तक लॉन्ग आवर्स तक बैठे हैं तो वो भी स्मोकिंग जैसे ही इफेक्ट करता है,
अब वो दोनों तरह से आपकी ज्वाइंट हेल्थ पे भी, आपकी कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ के लिए। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितने प्रिवेंटिव स्टेप्स लेते रहेंगे, हाँ डेफिनेटली हम लोगों के पास अब एडवांस चीजें अवेलेबल है, टाइमली हम डायग्नोस कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जैसे नॉन आपके इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस, इन्फेक्शियस आर्थराइटिस वगैरह, इन सब चीजों के लिए जांच टेस्ट अवेलेबल है, उपलब्ध है, MRI वगैरह ये टेस्ट उपलब्ध है, जिसमें हम आसानी से जान सकते हैं कि आपके कार्टिलेज, मेनिस्कस टियर, टेंडन, लिगामेंट टियर, इस तरह की और भी कई चीजें होती है जिनका समय रहते हुए पता लग जाता है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे ही होते हैं जिनमें काफी लंबे समय तक इस तरह का क्रोनिक पेन होता है, बट ये चीजें लेट डायग्नोस्ड होती है। तो काफी तरह के ऐसे टेस्ट अवेलेबल है, विटामिन B12 जैसे मैडम बता रहे थे, डेफिशिएंसी आजकल आमतौर पर लोगों के अंदर रहती है, यूरिक एसिड लोगों के काफी ज्यादा बढ़े हुए मिलते हैं, TRP अभी हम कोविड के बाद देख रहे हैं आमतौर पे अभी भी लोगों का बढ़ा हुआ है। और ये जो कुछ बेसिक टेस्ट हैं वो बिल्कुल लोगों को समझना जरूरी है कि ये बेसिक टेस्ट है, लेकिन अगर आपको एडवांस टेस्ट की जरूरत है, आपकी समस्या बड़ी है, तो बिना डॉक्टरी सलाह के आप बिल्कुल टेस्ट ना कराएं। ये न्यूज 24 आपसे आग्रह भी करता है, क्योंकि ज्यादा टेस्ट कराना कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी खड़ी कर देगा। तो इसीलिए ये पैनल यहां बैठा है ताकि आपको मार्गदर्शन कर सके कि सही और बिल्कुल सटीक उपचार क्या है और किस तरीके से किसी भी बीमारी को कैसे हराया जा सकता है। डॉक्टर व्यास, आपका रुख करूंगी, क्योंकि हमने एलोपैथिक जो एक तरीके का एक हम कहें कि एरिया हमने कवर किया है और लोगों को समझाया कि किस तरीके से काम करना जरूरी है उस पर, आयुर्वेद किस तरीके से अर्थराइटिस जैसी समस्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में इसके लेकर भी काफी उत्सुकता रहती है कि आयुर्वेद के जरिए क्या कुछ उच्च इलाज हो सकता है कि हड्डियों की बीमारी में जो है वो कम हो जाए, परेशानी कम हो जाए। क्या है अर्थराइटिस की बीमारी को लेकर के आयुर्वेद के पास इलाज का कोई जरिया? जैसा कि डॉक्टर उमा कुमार जी ने भी कहा था कि ये दो प्रकार का होता है, तो आयुर्वेद भी एक तो क्षय जन्य के रूप में मानता है और दूसरा लाइफस्टाइल, डाइट, इन दोनों के कारण भी। तो आज जो आवश्यकता है हमको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है, अगर हमारी डाइट का हम सही ध्यान रखें, लाइफस्टाइल को प्रॉपर रखें, तो बहुत कुछ इस समस्या से बच सकते हैं। और इसके लिए अवेयरनेस की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। हम अगर उनको थोड़ा सा समय समय पर इसके लिए कोई लेक्चर के माध्यम से या इस प्रकार से डाइट लाइफस्टाइल के बारे में लोगों को अगर हम अच्छे से प्रेरित करते रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा अधिक स्पाइसी, मसालेदार, ज्यादा ऑयली चीजें अपन व्यक्ति खाते हैं, और आयुर्वेद में इसको आम कहते हैं, मतलब डाइजेशन होने के बाद में अगर प्रॉपर पाचन सही नहीं हुआ तो वो जो आम रहता है वो इस प्रकार की व्याधि को उत्पन्न करता है, जिसको हम फ्री रेडिकल्स के रूप में भी समझ सकते हैं। तो एक तो उसके द्वारा, दूसरा हमारा जो नियमित रूप से एक व्यायाम है, अगर व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम का ध्यान रखे प्रतिदिन, यहां पर भी एक बात है कि एक्सेसिव व्यायाम नहीं करना। कई बार कई व्यक्ति जिम में बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं या उनका टारगेट अलग रहता है, तो वो एक अलग बात है, वो चिकित्सक के सलाह के अनुसार लें, पर प्रतिदिन नियमित रूप से अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर व्यायाम करते हैं तो हम स्वस्थ बने रहते हैं, हमारी अस्थियों का, संधियों का, शरीर का हम ज्यादा अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। कुछ टिप्स दे पाएंगे डॉक्टर साहब हमारे युवा वर्ग को, कुछ टिप्स दे पाएंगे जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं या बैकएक उनके साथ काफी ज्यादा रह रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो MNCs में जो वर्क होता है वो काफी लंबा होता है और अपसेटिंग जॉब में ही होते हैं, तो जाहिर तौर पर वहां पर समस्या काफी ज्यादा दिखाई पड़ती है, तो उन लोगों के लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? यस, देखिए जिनका जॉब जिस सब प्रकार का है, अगर किसी को थोड़ा सा अधिक समय तक मॉर्निंग 8 to शाम को 6-7 बजे तक कंटिन्यू काम करना है, तो वो लोग भी उस समय में से शाम के समय थोड़ा सा मेडिटेशन या कुछ समय के लिए रिलैक्सेशन, उस चीज का ध्यान रखें, थोड़ा सा नियमित रूप से आसन और प्राणायाम, इन दोनों चीजों का ध्यान रखें। कई अलग अलग आसन बता रखे हैं, दो, एक तो आसन उस प्रकार जी बिल्कुल, शायद आवाज नहीं मिल पा रही है, अभी थोड़े दिन में फिर हम उनको कोशिश करेंगे कनेक्ट करने की, तब तक मैं डॉक्टर उमा कुमार का रुख कर लेती हूँ। मैम, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जब हम बात करते हैं तो कई बार एक समस्या आती है मरीजों के सामने कि ऑर्थो के पास जाना है या रूमेटॉइड के पास जाना है, डिपार्टमेंट के पास जाना है, ये जो कन्फ्यूजन होता है कई बार बीमारी को और बढ़ा देता है, तो यहाँ ये समझने की जरूरत है और आप काइंडली इसको समझाएं कि जो मरीज
अर्थराइटिस की बीमारी से गुजर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि अर्थराइटिस है, वो सबसे पहले कहाँ पहुंचे और किस तरीके से वो इलाज के लिए आगे बढ़े? पल्लवी जी, सबसे पहले तो बिना समय गवाए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी दैट आप इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों में बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी फैला रहे हैं। जी देखिए, ऐसा है कि पहले तो ये समझना जरूरी है कि जो रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस होती हैं, यानी कि जोड़ों से संबंधित समस्याएं, उनका ज्यादातर इलाज मेडिकल होता है, ट्रीटमेंट। और ऑर्थोपेडिक्स देखा जाए तो वो एक सर्जन होते हैं, जैसे कि अगर किसी चीज को कहीं सर्जरी की जरूरत है तो रूमेटोलॉजिस्ट उसको डील नहीं कर पाएगा। और जहाँ हमारे देश में क्योंकि रूमेटोलॉजिस्ट कम है। बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आपने लोगों तक पहुंचाई है, और जैसा कि हमने शो की शुरुआत में कहा था कि अगर आपकी हड्डियां नहीं मजबूत हैं तो आप खड़े नहीं रह सकते, इसलिए आज आपने जाने माने डॉक्टरों से जाना कि हड्डियां कैसे मजबूत करें, हड्डियों की देखभाल कैसे करें, किस खाने से हड्डियां कमजोर होती हैं तो क्या खाने से हड्डियां मजबूत रहेंगी, कैसे आप अर्थराइटिस से बच सकते हैं और अर्थराइटिस के शुरुआती लक्षणों को भी पहचान सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपके स्वास्थ्य से जुड़े एक और बीमारी और उसके बचाव के बारे में देश के जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट से बात करेंगे, क्योंकि हम